हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है संतरे की बासुंदी। संतरे की बासुंदी बनाने के लिए हम ले रहे हैं 2 ग्लास दूध, 1 बाउल संतरा जो हमने छील के रख रखा है, आधा कटोरी शक्कर और 3 से 4 अंजीर कट करके रखे हैं और 1 चुटकी केसर। आइए अब हम अपनी बासुंदी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें दूध को पैन में डालना है। अब हम इस दूध को आधा होने तक पकाएंगे। अब ये दूध हमारा रिड्यूस हो रहा है और इसमें हमें अपनी 2 चुटकी केसर और शक्कर को ऐड कर देना है और इस दूध को जब तक हमें पकाना है तब तक ये आधा ना हो जाए। देखिए अब ये दूध हमारा पक रहा है और इसे हमें बहुत तेज़ आग पे नहीं पकाना है और बीच बीच में चलाते भी रहना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। अब ये हमारा दूध रिड्यूस हो चुका है, देखें, और इसको हमने आधा करना था, अब ये आधा हो चुका है और अब हम इसमें अपना जो हमने अंजीर क्रश करके रखा था उसको ऐड करेंगे। अब इसके बाद हमें इसको कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद हम इसमें अपने, जब ये ठंडा हो जाएगा तो अपने फ्रूट ऐड करेंगे। देखें ये जो हमने अपने दूध को रिड्यूस किया था उसको हमने बाउल में लेकर 2 घंटे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था, अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब हम इसमें अपने संतरे ऐड करेंगे। इसको हमने गरम में इसलिए नहीं डाला है क्योंकि गरम में हम कोई भी फ्रूट्स अगर मिला देंगे तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें इसे पहले ठंडा होने देना है, उसके बाद इसमें फ्रूट ऐड करना है। ये देखिए हमारी बासुंदी बिल्कुल तैयार है।